बहुत बहुत स्वागत है एक बार जितने भी हमारे एयरफोर्स वाई के एस्पिरेंट हैं। आई नो बहुत सारे कौतूहल लगातार आपके जहन में चल रहे हैं। पहला कि सर आखिर एनरोलमेंट लिस्ट कब आएगी उन बच्चों के लिए जिन्होंने फाइनली अपने एग्जाम को क्लियर कर लिया है। बहुत सारा कौतूहल चल रहा है उन बच्चों के भी दिमाग में जो फाइनली पूछना चाहते हैं कि सर हमने तो एग्जाम दे दिया, आखिर रिजल्ट कब आएगा। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा क्राउड इस देश में जो कि बोर्ड की परीक्षा पास कर चुका है, चाहे वो मैथ्स से किया हो, साइंस से किया हो, या बायो से किया हो, कॉमर्स किया, किसी भी साइड का बच्चा हो, कहीं ना कहीं उसके अंदर एक जहन में बना रहता है कि सर मैं भी एयरफोर्स का हिस्सा बनना चाहता हूं। जब एयरफोर्स के हिस्से बनने की बात आती है तो वाई ग्रुप एक बेहतर करियर ऑप्शन के तौर पे आपके लिए आ जाता है। बिल्कुल हमारा उद्देश्य है इन मॉडल पेपर के माध्यम से आपको यह एहसास कराना कि वाकई में जिस एग्जाम के विषय में आप सोच रहे हैं, जिस एग्जाम को आप अपने ड्रीम के तौर पे देख रहे हैं, आखिर उसके पेपर का स्टैंडर्ड क्या है। तो मैं कहना चाहता हूं देश में सबसे पहली बार जो नवंबर का टारगेट है, बिल्कुल बच्चों का अगला प्रश्न साथ में जुड़ा हुआ है कि आखिर सर फॉर्म कब अनाउंस हो जाएंगे, नोटिफिकेशन कब आ जाएगी। जल्दी बेटा, दो प्रोसेस जैसे आपके डन होते हैं दैट मीन आपका एनरोलमेंट लिस्ट रिलीज होता है और साथ ही साथ आपके एग्जाम के रिजल्ट अनाउंस होते हैं। अगली प्रक्रिया जो इंडियन एयरफोर्स करेगी वो आपके सिलेक्शन प्रोसीजर को लेकर ही प्रक्रिया बढ़ाएगी। तो बिल्कुल निश्चिंत और तैयार रहना है। बट हर मॉडल पेपर को कराने का केवल एक उद्देश्य है, आपको एग्जाम के स्टैंडर्ड को वास्तविक रूप से समझाना और साथ ही साथ यह बताना कि बिल्कुल एमकेसी आपका जबरदस्त तरीके से ऑफलाइन प्रोग्राम स्टार्ट कर चुका है, जहां जबरदस्त आपकी रिटन क्लासेस चल रही हैं और बच्चे जम के प्रिपरेशन कर रहे हैं पूरे इंडिया में सबसे पहले, सबसे ऑर्गेनाइज्ड और सबसे प्लान तरीके से। बेहतरीन डाउट काउंटर फैसिलिटी, बेहतरीन फिजिकल ट्रेनिंग, बेहतरीन मेडिकल फैसिलिटी, एवरी एस्पेक्ट पे हम बेहतर कर रहे हैं बेहतरीन मटेरियल्स के साथ, केवल एक उद्देश्य से बेटा कि ये समय रुकने और बैठने का नहीं। यार एग्जाम आपने डन कर लिया है, अब समय है उठ के खड़ा होने का, सही संस्थान को चुनने का और अप टू द मार्क प्रिपरेशन करके आने वाले नवंबर और आने वाले एग्जाम जो कि मार्च में होने वाला है 2022 को, उसके लिए विधिवत तैयार होकर के अपनी सफलता को सुनिश्चित करने का। तो बिल्कुल यार ये टाइम वेस्ट करने का नहीं है, बल्कि ये टाइम रियलाइज करके अपनी परफॉर्मेंस, अपने फोकस को बढ़ाने का है। तो सारे बच्चे जो बोर्ड का एग्जाम दे चुके हैं बेटा, ये बैठ करके अब समय गंवाने का समय नहीं है। एक एक दिन आपके लिए महत्वपूर्ण है और उस समय की शुरुआत हो चुकी है। तो बिल्कुल ये मॉडल पेपर बिल्कुल शिद्दत के साथ देखें और अंडरस्टैंड करें कि वाकई में पेपर का लेवल क्या है और फटाफट एमकेसी के क्लासरूम का हिस्सा बनिए और अपनी जंग, अपनी तैयारी शुरू करिए अपने पैशन के लिए और कहीं ना कहीं फ्यूचर एयरमैन बनने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर। जय हिंद, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है प्रांजलि पांडे, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश फ्रॉम मेजर कल्ची क्लासेस। आज का हमारा मॉडल पेपर है एयरफोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। पहले ये पैसेज आप लोग पढ़ के देख लीजिए स्टॉप करके, ठीक है? राइट नाउ लेट्स सी पैसेज में क्या है। बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ ग्रोथ इंडस्ट्री, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री इन द 19th सेंचुरी, मीन्स 19th सेंचुरी की स्टडी के अकॉर्डिंग अनुसार, मैनी सोशोलॉजिस्ट हैव आर्ग्यूड दैट देर इज़ अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड इकोनॉमिक सिस्टम। ओके, बहुत सारे सोशोलॉजिस्ट का मानना है कि एक रिलेशन है किसके किसके बीच में, एजुकेशन और हमारी इकोनॉमिक के बीच में, ठीक है? हमारी इकोनॉमिक और हमारी एजुकेशन के बीच में क्या है, एक रिलेशन है जो साथ साथ चल रहा है। दे पॉइंट टू द फैक्ट दैट मास फॉर्मल एजुकेशन बिगैन इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड इज एन एस्टैब्लिश्ड पार्ट ऑफ ऑल इंडस्ट्रियल सोसाइटीज। जो मास फॉर्मल एजुकेशन, देखिए साथ में पढ़ने वाला एजुकेशन जो है वो इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ का क्या है, एक एस्टैब्लिश्ड पार्ट रहा है। The note that they note that the expansion of the economies of industrial societies is accompanied by a corresponding expansion of the educational system. देखिए ये एक correlation दिखा रहा है कि अगर educational system में growth होगी तो industrialization में भी growth होगी, industrialization में growth होगी तो automatically हमारे education system में भी growth होगी, ठीक है? They explain this correspondence in terms of the need of industry for skilled and trained manpower. देखिए हमारी industry को क्या चाहिए होती है, कुछ type की particular need होती है हमारी industry की, वो है ट्रेंड मैन पावर और स्किल्ड लेबर, ठीक है? विच आर मेट बाय द एजुकेशनल सिस्टम, जो किससे मीट की जा सकती है, जो पूरी की जा सकती है हमारे एजुकेशन सिस्टम के द्वारा। दस द प्रोविजन ऑफ मास एलिमेंट्री एजुकेशन इन ब्रिटेन इन 1870 कैन बी सीन एज अ रिस्पॉन्स टू द नीड्स ऑफ इंडस्ट्री फॉर अ लिटरेट एंड न्यूमरेट वर्क फोर्स एट अ टाइम वेन इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस वर बिकमिंग मोर कॉम्प्लेक्स एंड द डिमांड फॉर टेक्निकल स्किल्स वॉज स्टेडली ग्रोइंग। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है 1870 में ब्रिटेन का, जिस जो रिस्पॉन्स की तरह देखा जा सकता है, जहाँ पे जब एजुकेशन सिस्टम बढ़ी, राइट, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो इंडस्ट्रीज थी उनको ज़रूरत थी किसकी, एक लिटरेट और न्यूमरेट वर्कफोर्स की, इस वजह से एजुकेशन सिस्टम को बढ़ाया गया और उनको उसका इफेक्ट, उनको पॉजिटिव रिजल्ट भी देखने को मिला। राइट नाउ लेट्स मूव ओवर टू आवर क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है बाय फंक्शनल रिलेशनशिप इट इज़ मेंट। फंक्शनल रिलेशनशिप से क्या मतलब होता है, अ शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप,
प्रैक्टिकल एंड यूटिलिटेरियन रिलेशनशिप, टेम्प्रेरी अरेंजमेंट, क्लोज एंड अनब्रेकेबल रिलेशनशिप। देखिए कोई भी ऑप्शन ए, सी और डी इससे मैच नहीं खाता है अपार्ट फ्रॉम बी। फंक्शनल रिलेशनशिप का मतलब होता है प्रैक्टिकल और यूटिलिटेरियन रिलेशनशिप, जो प्रैक्टिकल भी हो और जो फायदेमंद भी हो, राइट? सो व्हाट विल बी आवर आंसर? फर्स्ट का बी। सेकेंड क्वेश्चन, द इंडस्ट्री नीड्स अ लिटरेट वर्कफोर्स। इंडस्ट्री को लिटरेट वर्कफोर्स की जरूरत क्यों है? इट्स एक्सपेंशन नीड्स साउंड लर्निंग, इसकी एक्सपेंशन को साउंड लर्निंग की जरूरत है। इट रिलाइज हेवली ऑन एक्सपर्टाइज, एक्सपर्टाइज पे बहुत ज़्यादा ये रिलाई करता है, निर्भर रहता है। प्रमोट्स कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, कॉम्पिटिशन की भावना उत्पन्न करता है। या फिर इट्स ऑपरेशंस नीड इंट्रिकेट टेक्निकल नॉलेज, या फिर इसकी जो ऑपरेशंस है उनको इम्पॉर्टेंट या एक महत्वपूर्ण टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत है। सो व्हाट विल बी द आंसर? सेकेंड का डी इज आर करेक्ट आंसर। मूविंग ओवर टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑब्जर्वेशंस ऑफ सोशियोलॉजिस्ट आर बेस्ड ऑन अ स्टडी ऑफ। जो सोशियोलॉजिस्ट के ऑब्जर्वेशंस हैं वो किस पे बेस्ड हैं? द स्टैटिस्टिकल डाटा अवेलेबल, correlation between industry and education in historical context, economic system of the century or the growth of industry in the 19th century. हमने पहले ही सबसे पहले ही पढ़ लिया था कि based on the facts of growth of industry in the 19th century. So what will be the answer for the third question? Third का D. आगे बढ़ते हैं। In each case find the antonyms. अब antonyms की बात करते हैं। Arid. Arid का मतलब क्या होता है? Arid का मतलब होता है dry. Right? Arid का मतलब हो जाता है dry. सूखा, क्लाउडी नहीं हो सकता, मार्शी, मार्शी लैंड होता है, दलदली एरिया, डेजर्ट, रेगिस्तान। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? वेट। ड्राई का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? वेट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड इज नादिर। नादिर का मतलब क्या होता है? बिल्कुल अपने नीचे स्तर पे, जो चीज़ बिल्कुल गिर चुकी हो या अपने नीचे स्तर पे हो। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? जेनिथ, फॉल, लिबर्टी या फिर मॉडर्निटी। देखिए फॉल का मतलब पता है गिरना, लिबर्टी का मतलब क्या होता है? लिबरलाइजेशन और मॉडर्न, लिबर्टी यू कैन से फ्रीडम, और मॉडर्निटी का मतलब मॉडर्न्स, मॉडर्न थॉट्स। जेनिथ, जेनिथ का मतलब होता है बिल्कुल अपने पीक पे, शिखर पे। सो व्हाट विल बी द ऑपोजिट ऑफ नादिर? जेनिथ, राइट? मूविंग ओवर टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सिनोनिम्स। पहला वर्ड क्या है? बैरन। देखिए बैरन सूखा, बैरन लैंड बोलते हैं ना, सूखा। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इनसेन, इनफर्टाइल, लश या फिर डिफिकल्ट। बैरन को आप डायरेक्टली किससे रिलेट कर सकते हैं? इनफर्टाइल से। इनफर्टाइल लैंड, बैरन लैंड, वन एंड द सेम मीनिंग। नेक्स्ट यू हैव इज एफ्लुएंस। एफ्लुएंस का मतलब क्या होता है? एफ्लुएंस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा जो अमीर हो, ठीक है? सो डिग्रेड, डिग्रेड का मतलब भी क्या होता है? कंटिन्यूसली अपनी पोजिशन से डिग्रेड होना, गिरता रहना। ऑकवर्डनेस, ऑकवर्डनेस मीन्स कोई चीज़ जो क्लियर ना हो, एब्जर्ड हो। रिचनेस, इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा। इन्फ्लुएंस मतलब आप किसी पे प्रभाव पड़ना, दैट इज इन्फ्लुएंस। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द सेवेंथ क्वेश्चन? एफ्लुएंस का रिचनेस हो जाएगा। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ब। बिसाइड्स हिज पेरेंट्स ही डैश ऑल्सो प्रेजेंट एट द फंक्शन। मीन्स उसके पेरेंट्स के अलावा, उसके पेरेंट्स के अलावा वो भी फंक्शन में क्या था? प्रेजेंट था। ही इज, ही हैज, ही वॉज या ही हैज बीन। देखिए बिसाइड्स हिज पेरेंट्स मतलब उसके पेरेंट्स के अलावा ही वॉज ऑल्सो प्रेजेंट एट द फंक्शन, राइट? नेक्स्ट, द सेल ऑफ टिकट्स फॉर द शो डैश नेक्स्ट वीक। जो सेल है टिकट्स की शो के लिए वो कब शुरू होगी? अगले हफ्ते शुरू होगी। वॉट विल दी आंसर? इज स्टार्टेड, आर स्टार्टेड, विल स्टार्ट या वॉज स्टार्ट? सो द करेक्ट आंसर विल बी विल स्टार्ट। टिकट्स की सेल शो के लिए अगले हफ्ते से शुरू होगी, राइट? मूविंग ओवर टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन, Identify the correct preposition. अब हम बात करते हैं correct preposition की। The thunder was accompanied. Thunder को किसने accompany किया था? Accompanied by a heavy rain. Right? ये fixed preposition का case है, यहाँ पे accompanied by हो जाएगा। I am ignorant that dash the facts. I am ignorant of the facts. So हमारा correct answer क्या हो जाएगा? I am ignorant of the facts. ये भी fixed preposition का ही case है। Moving over to our next question, he acted according dash my instructions. उसने मेरे instructions के according ही क्या किया? Act किया। What will be the correct answer? To, with, from or in. So according to my instructions, right? Now moving over to our next question, change the voice. She gave me a book. So हमारा subject क्या है? She. Object क्या है? Me. Me यहाँ पे direct object है कि indirect object है? देखिए क्या दिया? Book. बुक इज ऑल्सो प्रेजेंट हियर। सो बुक हमारा क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और मी क्या हो जाएगा? ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा।
So we have four options here. I was given a book by her. She was given a book. A book is given is नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे gave है, simple past है, right? तो simple past को जब हम voice में change करते हैं तो वो क्या हो जाता है? Was verb plus verb का third form. So our correct answer, I was given her a book. No, it's wrong. So the correct answer will be I was given a book by her, right? The young one of a hare is called. What is the young one of a hare called? Cub. कब तो हम लायन शेर के बच्चे को भी बोल सकते हैं, और भी बहुत हैं जिनके हम कब बोलते हैं बट हेयर के तो नहीं बोलते. किड इज अ नॉर्मल चाइल्ड. लैम जिसको हम मेमना बोलते हैं. सो व्हाट विल बी द आंसर? लीवरेट. लीवरेट इज द यंग वन ऑफ अ हेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लेस वेयर फिश एंड वाटर प्लांट्स आर केप्ट. वो जगह जहाँ पे मछली और वाटर प्लांट्स को रखा जाता है उस जगह को हम क्या कहते हैं? एक्वेरियम, कासल, कॉन्वेंट या फिर अरीना. देखिए अरीना आपका होता है दंगल, ठीक है, जहाँ पे आप लड़ाई झगड़ा जहाँ पे होता है दंगल. कॉन्वेंट, कॉन्वेंट हम लोग स्कूल्स में भी जैसे बोलते हैं कॉन्वेंट वर्ड यूज़ करते हैं. कासल मतलब महल. सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? एक्वेरियम, द प्लेस वेयर फिश एंड वाटर प्लांट्स आर केप्ट. मूविंग ओवर टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको यहाँ पे करेक्ट आर्टिकल का यूज़ करना है. 10 miles इज डैश लॉन्ग वे टू वॉक. क्या हो जाएगा? अ, एंड, द या फिर नन ऑफ दीज. कोई डेफिनेट की बात नहीं हो रही है इसलिए द नहीं होगा. लॉन्ग वर्ड हमारा जो है कॉन्सनेंट साउंड दे रहा है इसलिए एन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 miles इज अ लॉन्ग वे टू वॉक. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रेक्टिफिकेशन का. नो सूनर डिड ही सी हिज टीचर व्हेन ही स्टॉप्ड कॉपिंग. देखिए नो सूनर के साथ आप किसका इस्तेमाल करते हैं? दैन का. बट हमने यहाँ पे किसका इस्तेमाल किया है? वैन का. सो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट. यहाँ पे दैन की जगह क्या हो जाएगा? सॉरी, वैन की जगह पे क्या हो जाएगा? दैन इस्तेमाल होगा. नो सूनर डिड ही सी हिज टीचर दैन ही स्टॉप्ड कॉपिंग, राइट? सो आपके बी पार्ट में एरर है 17th क्वेश्चन में. नेक्स्ट, मर्डर ऑफ अ ब्रदर, भाई की हत्या. तो भाई की हत्या को क्या बोलते हैं? पैट्रिसाइड, रेजिसाइड, होमिसाइड या फिर फ्रैट्रिसाइड. देखिए पैट्रिसाइड क्या होता है? पिता की हत्या. रेजिसाइड क्या होता है? राजा की हत्या. होमिसाइड क्या होता है? मानव हत्या. सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? फ्रैट्रिसाइड मतलब भाई की हत्या. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेट फॉर मी बिटवीन 10 AM - 11 AM. अब यहाँ पे कंजंक्शन दिए हुए हैं सो एंड येट या फिर बट. सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? वेट फॉर मी बिटवीन 10 AM and 11 AM. सो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा. लास्ट क्वेश्चन, चेंज द नरेशन. द टीचर सेड टू मी बी रेगुलर एंड लर्न योर लेसन डेली. अब यहाँ पे टीचर क्या कह रही है? एडवाइस कर रही है, राइट? ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है. द टीचर टोल्ड मी दैट टू बी रेगुलर, बिल्कुल नहीं. द टीचर सेड टू मी रेगुलर, रॉन्ग स्टेटमेंट. द टीचर एडवाइज्ड मी टू बी रेगुलर एंड लर्न माई लेसन डेली. द टीचर रेगुलर मी, सॉरी, इट्स ऑल रॉन्ग. सो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 20 का सी विल बी द करेक्ट आंसर. द टीचर एडवाइज मी टू बी रेगुलर एंड लर्न माई लेसन डेली. सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको सारे आंसर्स क्लियर हुए होंगे. आई होप यू लाइक द क्लास. थैंक यू. आपकी बेस्ट फ्रेंड किताबें होती हैं जो आपका करियर बनाती हैं और आपके ड्रीम्स को पूरा करती हैं. इसलिए मेजर कल्सी क्लासेस लेकर आया है रक्षा क्षेत्र के सभी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी के लिए. MKC पब्लिकेशन की तरफ से बेस्ट स्टडी मटेरियल जो कि सेना द्वारा प्रेस्क्राइब लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित हैं, जिसमें आपको मिलेगा आसान भाषा में एक्सप्लेनेशन, चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर और ढेर सारे क्वेश्चन के कलेक्शंस, ढेर सारे शॉर्टकट और ट्रिक के साथ साथ क्वेश्चन को इजी, मीडियम और हार्ड लेवल में बांटा गया है. लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन को चैप्टर और टॉपिक वाइज मेंशन किया गया है जो कि आपके 100% सफलता को सुनिश्चित करेंगे. तो देर किस बात की? तो आज ही ऑर्डर कीजिए अपनी डिफेंस प्रिपरेशन की बुक dlp.majorkalsiclasses.com से और कॉल कीजिए 9696330033 पर. जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी को मेजर कल्सी क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बेटा बहुत बहुत स्वागत है. मैं विजय मौर्य आपके लिए लेके आया हूँ अर्थमेटिक का मॉडल पेपर, जिसका प्रत्येक कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में जरूर आएगा. साथ ही साथ जैसा आप जानते हैं कि आपके इस एग्ज़ाम में अर्थमेटिक के लगभग 8 से 10 क्वेश्चंस आते हैं, तो उन्हीं अप्रॉक्स मॉडल क्वेश्चंस को हम लेके आए हैं जो लगभग लगभग आपके एग्जाम में आने वाले हैं. तो चलिए हम उसी क्या डिस्कस करते हैं आपसे. पहला क्वेश्चन आपके सामने है बेटा. पहले क्वेश्चन में क्या, यदि 1² + 2² + 3² + 20² = 2870, तो आपसे पूछा गया है कि इसका मान क्या होगा. ये आपसे पूछा गया है तो जरा देखो बेटा, जो आपके पास पूछा गया वैल्यू जिसकी आपको निकालनी है वो क्या है? वो है बेटा 2²
प्लस फोर स्क्वायर प्लस सिक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन बात करते हैं तो 40 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर अगर आप देखें इसको बेटा जो नंबर से लिखे गए हैं इसको अगर आप फैक्टराइज कर लें तो इसको बेटा हम 2 स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, प्लस इसको बेटा हम 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको बेटा हम लोग प्लस 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर भी लिख सकते हैं प्लस एंड सो ऑन बेटा इसको हम 2 स्क्वायर इंटू 20 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये तो क्लियर हो गया बेटा। इन सब में अगर इन सब में आप देखते हैं तो 2 स्क्वायर आप सब में कॉमन कर सकते हैं। अगर 2 स्क्वायर आपने सब में कॉमन कर लिया तो रिमेनिंग होगा बेटा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस 20 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 स्क्वायर का मतलब 4 हो गया, और इसके वैल्यू आपके पास ऑलरेडी दी गई है बेटा 2870 ये दिया गया है। इसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे बेटा ये 0 हो गया, 7 4 जा 28 2 हो गया बेटा, 4 8 जा 32 प्लस 2 क्या हो गया बेटा 4 हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या बचा बेटा 4 2 जा 8 8 प्लस 3 दैट इज 11, यानी 11480। ऑप्शन सी इज राइट है बेटा, क्या है ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन बेटा ये सिंप्लीफिकेशन जैसे चैप्टर से है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ देखो बेटा यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास आपसे पूछा गया काले अंडर रूट 11 प्लस 2 अंडर रूट 30 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 11 प्लस 2 अंडर रूट 30 इक्वल टू, यानी इसको कैलकुलेट करना है, इसका मान आपको बताना है। तो देखो बेटा पहले हम देख रहे हैं ये दोनों क्वांटिटी सेम है, क्या है बेटा दोनों क्वांटिटी सेम, डिफरेंस क्या है एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में। तो चलिए हम पहले इसकी बात कर लेते हैं। देखो बेटा जो आपके पास है 11 प्लस 2 अंडर रूट 30 है, ऑप्शन भी हम लोग देखते हैं बेटा ऑप्शन हमें 6 और 5 अंडर रूट के टर्म में गिवेन है, तो इसको हम बेटा फैक्टराइज इसी रूप में करते हैं। तो यहाँ देखो बेटा इसको जो 30 है आपका, इस 30 को अगर आप चाहें तो इसको अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 5 लिखते हैं, क्या लिखते हैं अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 5, और ये ऑलरेडी आपके पास 2 लिखा है प्लस है बेटा। अब आप देखिए क्या हुआ, अगर यहाँ पर बेटा ये अंडर रूट लगा है इसका मतलब ये एलिमिनेट अंडर रूट तब हो पाएगा जब ये ए प्लस बी का या ए माइनस बी का होल स्क्वायर मिल जाए। चूंकि यहाँ पर प्लस है इसलिए किसका बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है आपको। तो यहाँ देखो ए बी मिल गया यानी 2ab मिल गया, इसका मतलब क्या हुआ बेटा 11 को आप लिख सकते हैं अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए क्या मिला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। इसकी बात अगर आप करते हैं बेटा तो क्या हो गया अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर मिल गया बेटा। यही आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या था क्वेश्चन में था बेटा अंडर रूट 11 प्लस 2 अंडर रूट 30 यही था, इसको आप ये लिख सकते हैं। यहाँ भी आपने अंडर रूट लगा दिया इसका मतलब क्या हो गया बेटा ये मिलता है आपको अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 5, ये आपको मिल जाएगा यानी इसकी वैल्यू अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 5 आपको मिल जाएगी। अब आगे अगर आप बात करते हैं इसकी जगह बेटा आप लिखोगे तो अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 5 आप लिख पाएंगे, ठीक है। फिर माइनस 1 अपॉन ये भी सेम क्वांटिटी है, इसको भी आप लिखोगे बेटा अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 5, ये दोनों नंबर्स आपने लिख दिया यानी यहाँ तक स्क्वायर रूट आपको मिल गया। यूँ आप कह सकते हो बेटा इस पर एक क्वेश्चन और बन सकता है, अगर आपसे केवल ये पूछा जाता अंडर रूट 11 प्लस 2 अंडर रूट 30 की वैल्यू क्या होगी तो आप ये बताते, ठीक है। चलिए आगे चलता हूँ। अब आप देखो बेटा एक चीज़ आपको पता है कि ये रेशनलाइज जैसे हम करेंगे इसको रेशनलाइज करने के लिए आप जानते हैं क्या करना होता है, इसके कॉन्जुगेट से बेटा सीधे सीधे आप मल्टीप्लाई करते हैं। तो कॉन्जुगेट से जैसे इसमें मल्टीप्लाई करोगे बेटा अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 5 से, किससे करोगे अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 5 से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा यानी अंडर रूट 6 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 स्क्वायर क्या हो गया बेटा ये 1 हो जाएगा, 1 हो गया, और न्यूमरेटर में क्या मिलेगा बेटा अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 5 मिल जाएगा,
या पान वन होगा। अब इसको अगर आप देख लेंगे, सॉल्व कर लेते हैं, तो अंडर रूट सिक्स प्लस अंडर रूट फाइव है, ब्रैकेट को ओपन किया बेटा तो माइनस अंडर रूट सिक्स प्लस अंडर रूट फाइव हो गया, ये आपका कैंसिल हो गया, यहाँ से मिलता है टू अंडर रूट फाइव। क्या मिलता बेटा? टू अंडर रूट फाइव, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट हो गया। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बेटा क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या है जरा देखिए, क्वेश्चन नंबर थ्री दिया बेटा, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे छः से विभाजित किया जाए तो पाँच बचे, सात से विभाजित किया जाए तो छः बचे, और आठ से विभाजित किया जाए तो सात बचे। ये आपका क्वेश्चन है। कहने का मतलब क्या है, आप छः से डिवाइड कर रहे हो बेटा तो पाँच शेष आना चाहिए, जब सात से डिवाइड कर रहे हैं तो छः शेष आना चाहिए, और जब आठ से डिवाइड कर रहे हैं तो आपको सात शेष आना चाहिए। ये आपका क्वेश्चन है बेटा। तो चलिए इसके पहले इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आप माइंड करेंगे बेटा, जब ऐसे क्वेश्चंस आपके पास दिए गए हों, अलग संख्याएं दी गई हों जिससे भाग दिया जा रहा है और अलग रिमाइंडर उनके फाइंड हो रहे हों, तो ऐसे केस में बेटा हम देखते हैं इन संख्याओं के बीच का डिफरेंस कितना है। क्या बेटा? इन संख्याओं के बीच का डिफरेंस, यानी सिक्स माइनस फाइव कर रहे हैं तो वन मिल रहा है, सेवन माइनस सिक्स कर रहे हैं तो वन मिल रहा है आपको, एट माइनस सेवन कर रहे हैं तो वन मिल रहा है। ये बात समझ गए? यानी आप ये कह सकते हो बेटा कि इनके बीच का जो डिफरेंस मिल रहा है किसके, डिवाइजर और रिमाइंडर का, यानी भाजक और शेषफल के बीच का जो अंतर है वो सब में बेटा जब सेम मिल जाए तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए। क्या लिखेंगे बेटा? आपको क्या लिखेंगे? वो संख्या आपसे पूछी गई है, यानी वह छोटी सी छोटी संख्या जिसको आप कहेंगे अभीष्ट संख्या। क्या कहेंगे बेटा? इसको अगर हम अभीष्ट संख्या कहते हैं यानी रिक्वायर्ड नंबर की बात करते हैं तो हम क्या लिखेंगे? हम लोग बेटा एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम किसका लेंगे? सिक्स सेवन और एट का ले लेंगे, और इसमें से बेटा माइनस वन कर देंगे। माइनस वन क्या है? वो बेटा डिफरेंस है इन संख्याओं का। क्या है? इन संख्याओं का डिफरेंस है। अब आप क्या करेंगे? सिक्स सेवन एट का क्या निकालेंगे बेटा? एलसीएम हम लोग निकाल लेते हैं। सिक्स सेवन एट का एलसीएम जब आप निकालते हैं, देखिए सिक्स सेवन एट एलसीएम जब आप निकालते हो सीधे सीधे क्या करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। टू थ्री जा सेवन हो बेटा, ये फोर हो गया, ये ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को अब डायरेक्टली इसके आगे भी करेंगे बेटा, तो हमें टू सेवन यही मिलेगा। हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का मतलब क्या हो बेटा, जरा देखिए वही होगा, ये क्या होगा? टू थ्री जा सिक्स, सिक्स से बन जाए बेटा फोर्टी टू, फोर्टी टू इंटू फोर जब आप करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा? फोर टू जो एट मिल जाएगा, और ये बेटा कितना मिला? 168। कितना मिल गया? 168। यानी एलसीएम जो आपको मिला 168 मिला बेटा। इसमें से जब आप माइनस वन कर देंगे, क्या कर देंगे? माइनस वन कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 167। यही बेटा 167 इसका ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी करेक्ट, क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका अगला क्वेश्चन बेटा, पांच बच्चों की औसत आयु 10 वर्ष है, एक बच्चा चला जाता है, चले जाने पर औसत आयु 9 वर्ष रह जाती है, उस बच्चे की आयु बतानी है जो चला जाता है। तो जरा सोचो बेटा, पांच बच्चे थे जिनकी औसत आयु 10 वर्ष थी, तो टोटल उम्र कितना हो गई? 50 ईयर्स। कितनी हो गई बेटा? 50 ईयर। एक बच्चा चला गया, एक बच्चा चला गया इसका मतलब बच्चों की संख्या कितनी हो गई? 4। अब कितनी औसत आयु बेटा? 9। कितना हो गया? 36 ईयर हो गया। अब जाने वाले बच्चे का अगर उम्र आपको निकालनी है तो इसमें से इसको माइनस करते हो बेटा, कितना आता है? 14। आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आप बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक्स परसेंट ऑफ वाई, एक्स परसेंट ऑफ वाई यानी बेटा वाई का एक्स परसेंट जो है, वाई का एक्स परसेंट यानी वाई का एक्स परसेंट जब आपने निकाल दिया, ये हो गया y का x परसेंट, 85 का 4/5 के बराबर हो, 85 80 है बेटा, इसका कितना? 4/5 के बराबर। ये आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ से बेटा आप डिवाइड करोगे तो क्या हो गया? 16 हो जाएगा, और ये 16 हो गया कितना हो गया बेटा? ये आपका 64 हो गया। कितना हो गया बेटा? ये 64 हो गया, और x इंटू वाई बाई 100 बराबर 64 हो गया। तो x y बराबर क्या हो गया? 64 इंटू 100, यानी क्या हो गया बेटा? एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी 6400, जो कि इसमें कोई नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही होगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
अगला क्वेश्चन आपके सामने, देखिए अच्छा क्वेश्चन बेटा, ए इज टू बी दिया है, बी इज टू सी दिया है, सी इज टू डी दिया है, तो आपसे ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी पूछा गया। तो चलिए यहाँ पर हम लोग पहले बात कर लेते हैं बेटा ए इज टू बी का, किसकी बात करते हैं ए इज टू बी का, फिर किसकी बात करते हैं बेटा बी इज टू सी का। तो जरा देखिए ए इज टू बी की वैल्यू जो दी गई थी बेटा वो 3:4 दी गई थी, ठीक है, और बी इज टू सी की वैल्यू जो दी गई है वो 6:9 दी गई। ये है बेटा, यहाँ तक समझ गए। अब आपका टारगेट क्या है बेटा, अगर यहाँ से आप समझिएगा, अगर यहाँ से बेटा हम ए इज टू बी इज टू सी लिखना चाहते हैं तो बी का रेशियो जो होना चाहिए ये दोनों में बराबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए बेटा, दोनों में बराबर। दोनों का बराबर का सेंस क्या हुआ, अगर आप ऐसे देख रहे हो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका हो जाएगा, इसमें 3 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे, यानी कहने मतलब बेटा क्या होता है, या तो 6 इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 4 से इसमें कर लो, तब भी हो जाता है। तो इसके लिए चलिए हम ऐसे कर लेते हैं, अगर आप 6 यहाँ करते हो बेटा कितना हो गया, 18 हो गया, ठीक है, और ये दोनों कितना हो गए बेटा, 24 हो गया, और ये कितना हो गया, 36 हो गया। ये तो बात समझ गए। अब इसको अगर हम लोग कैंसिल कर सकते बेटा, तो ये 6 3 हो गया, 6 4 हो गया, और 6 6 हो गया, 3 4 6 का रेशियो आ गया बेटा। ये किसका रेशियो आ गया, ए इज टू बी इज टू सी का। अब हम बात करते हैं सी इज टू डी का भी रेशियो दिया गया है, सी इज टू डी का जो रेशियो गिवन है बेटा वो क्या है, 12:19। क्या है बेटा, यहाँ 12:19 ये दिया है। ये बात समझ रहे हैं। अब यहाँ पर बेटा देखो यहाँ 12 है, अगर ये सी की वैल्यू 12 हो जाए तो सिंप्लीफाई करके हम रेशियो डायरेक्ट बता सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इन सब में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा, ये आपका 12 हो जाएगा, ठीक। अब आपको लिखना है ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी, यही लिखना है बेटा, तो डायरेक्ट लिख दो। अब क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे बेटा 6:8:12:19, ये आपका सबका हो गया। ऑप्शन देखते हैं बेटा, आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बेटा क्या है, 11 पेंसिल आर बॉट फॉर ₹10। यहाँ पर बेटा ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, सीधे सीधे आप देखिए बेटा यहाँ पर हम लोग लिखते हैं आर्टिकल, क्या लिखते हैं बेटा, ये आर्टिकल लिखते हैं, यहाँ पर उसकी कास्ट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कास्ट लिखते हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन है एक मिनट बेटा, क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन आपका दिया है बेटा कॉस्ट हो गया और फिर क्या है आर्टिकल हो गया, ठीक है। तो आप देखिए जो 11 पेंसिल है बेटा ये कितने में खरीदी जा रही है, 10 में। अगर यहाँ पर सीपी की बात मैं करता, ठीक है, तो कास्ट कितनी बेटा, कास्ट कितनी इसकी, 11 पेंसिल की कास्टिंग है ₹10। जब 11 पेंसिल की कास्टिंग है ₹10, तो एक पेंसिल की अगर कास्टिंग निकालो बेटा 10/11 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये है बेटा किस टाइप से अगर हम करेंगे तो हमारा टाइम ज़्यादा होगा, हमको क्या करना है, हमको इसको कम समय में करना है। कम समय में करने के लिए बेटा यहाँ जब आपने कास्ट लिखा, यहाँ क्या लिखा, आर्टिकल लिख दिया यानी वस्तु लिख दिया, इसको आपने सीपी लिखा, यहाँ पर बेटा एसपी लिखा। तो पहले में क्या था बेटा, कास्ट ₹10 थी और आर्टिकल कितने थे बेटा, 11 आर्टिकल थे। दूसरे में क्या थे बेटा, दूसरे में आपके थे ₹11 थे और 10 आर्टिकल थे। ये बात समझ गए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करके बेटा यहाँ लिख दें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 121 होता है, कितना होता है बेटा, इसको कास्ट प्राइस करते हैं तो 121 होता है, ठीक है, और इसको करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, 100। चलिए बेटा हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 का। तो यहाँ पर जब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है तो सीधे सीधे इस बात को ध्यान रखना बेटा, 11 पेंसिल की कास्टिंग कितनी है, ₹10, ठीक है, और ये क्या बेटा, फिर ₹11 में आप 10 पेंसिल बेचते हैं यहाँ पर बेटा। तो यहाँ पर बेटा हम सीपी लिख लेते हैं और ये एसपी होता है, सीपी का मतलब कास्ट प्राइस और एसपी का मतलब विक्रय मूल्य, ठीक है। अब इसको करने के बाद आपको क्या करना है, इस बात का ध्यान रखना बेटा, तो यहाँ पर अगर हम आर्टिकल लिखते, क्या लिखते बेटा, यहाँ पर अगर हम आर्टिकल लिखते और यहाँ पर क्या लिखते हम, प्राइस लिखते हैं, तो अगर इस केस में बेटा हम करते हैं, यहाँ पर देखो आपका क्या है, ये क्या है, ₹11 है, ठीक है, ₹11 बेटा, ₹11 में आप क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया, आपका प्राइस हो गया, क्या हो गई बेटा, प्राइस हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, आर्टिकल हो गया, क्या हो गया, आर्टिकल। इस केस में अगर हम बात करते हैं, बात समझिएगा,
तो पहले में क्या होता बेटा, 11 आर्टिकल आपने लिया था, 10 रुपए में आपने बेचा था। कितने बेचा था? 10 रुपए में। दूसरे में क्या था? 10 आर्टिकल आपने लिया था, कितने बेचा था? 11 रुपए में बेचा था। अब आप यहाँ से बेटा सीधे सीधे काम करते हैं, क्या इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका 100 आता है, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 121 आता है। तो 100 से 121 ज़्यादा है बेटा, यानी कितना ज़्यादा? 21 है। तो यही सीधे सीधे इसका 21% आप आंसर निकाल देते हो। लेकिन अगर आपकी मर्जी है तो इसको बेटा बेसिक तरीके से भी आप कर सकते हैं। बेसिक में क्या करना, CP of 1 pencil निकाल लेना, CP of 1 pencil और SP of 1 pencil निकाल के डिफरेंस कर लेना बेटा, तो भी आंसर आप पा सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाउ मेनी ईयर से सम बिकम्स 1/1/2 टाइम्स एट द रेट ऑफ 10%। आपसे क्वेश्चन क्या, कितने वर्षों में कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 गुना हो जाएगा। तो सीधा सा मतलब होता बेटा ऐसे, आप अगर आप बात करें तो अगर प्रिंसिपल x है, ये अमाउंट की बात कर रहा है 1.5 गुना, 1.5 गुना का मतलब 3/2x हो गया बेटा। अगर SI की बात करता हूँ तो 3/2x - x यानी बेटा 1/2x आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं इसका मान a - p होता है। यहाँ तक ठीक है। अब आपसे पूछा है कितने वर्षों में समय की बात करता है, तो SI बराबर बेटा हम लोग जानते हैं PIT/100, ये बहुत बेसिक फार्मूला है, और SI की वैल्यू 1/2x है, P की वैल्यू x है, R वही रहेगा 10%, और टाइम निकालने की बात हो रही है आपसे, ये 100 हो गया बेटा, ये कैंसिल हो गया, x से कैंसिल हो गया, ये 10 इधर ट्रांसपोज हो गया बेटा, तो T = आ जाएगा 10/2, यानी बेटा सीधे सीधे 5 ईयर। क्या आ गया? 5 ईयर। ऑप्शन D इज करेक्ट। क्या हो गया? ऑप्शन D इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है बेटा, रेशियो ऑफ द ट्राइंगल दिया हुआ, साइड्स, द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल दिया गया है, त्रिभुज की भुजाएं हैं और उसका परिमाप इतना है बेटा 56। आपसे सबसे बड़ी भुजा पूछी गई है, तो जरा देखो बेटा, अगर हम a:b:c की बात करते हैं तो जो इसका रेशियो बेटा 1:2, 1:3, 1/4 हो गया। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर लें बेटा, सिंप्लीफाई का सेंस क्या हुआ, LCM लेते हैं बेटा, इसका 12 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 12 मिल जाएगा। 2 6 जा हो जाएगा बेटा, 3 4 जा हो जाएगा, और 4 3 जा हो जाएगा। यानी अगर सिंप्लीफाई किया हमने तो रेशियो हमको मिला बेटा 4:6:4:3 मिल गया। ये क्या हो गया? ये इनकी साइड हो गई बेटा, साइड का रेशियो आ गया। अब अगर आप बात करते हैं कि इनका पेरीमीटर जो दिया है, परिमाप बेटा वो 52 सेंटीमीटर है, सबसे छोटी भुजा की बात कर रहा है, तो परिमाप की बात करते हो बेटा, देखो इसको जब आप ऐड कर लोगे, ऐड करोगे तो क्या कर सकते हो, 6x अगर आपने लिया, 4x + 3x, ये तीनों साइड्स की सम हो गए बेटा, और यही पेरीमीटर कहलाता है। तो यहाँ से आपको मिलता बेटा 13x = 52, तो x बराबर क्या आ जाएगा बेटा, 52/13, दैट इज 4 आ गया, और x = जब 4 सेंटीमीटर आ गया बेटा, और सबसे छोटी भुजा की बात करता हूँ, सबसे छोटी भुजा क्या होगी इसमें, 3x होगी। क्या होगी बेटा? 3x होगी। अगर सबसे छोटी भुजा की वैल्यू 3x है, इट मीन्स बेटा 4 × 3, दैट इज 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर का मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्या बेटा? ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लास्ट क्वेश्चन बेटा आपके इस मॉडल पेपर का है। देखो आपके पास दिया बेटा x + 1/x की वैल्यू 3 दिया गया है, आपसे इसका मान पूछा है, तो पहले थोड़ा सा वर्किंग हम इसी की कर लेते हैं बेटा, जिसको हमें फाइंड आउट करना है। अगर इसमें से बेटा हम x कॉमन कर लें, यहाँ से हम क्या करते हैं बेटा, अगर हम x कॉमन कर लें न्यूमरेटर से, तो x² + 1/x² हो जाएगा, ठीक। और डिनोमिनेटर में भी अगर हम x कॉमन कर लें, क्या कॉमन कर लें बेटा, x कॉमन कर लेंगे, तो x - 1 + 1/x आपको मिलेगा। ये तो आप कैंसिल कर लेंगे ना बेटा, फिर आगे देखो आपके पास क्या मिलेगा, x² + 1/x² + 1/x - 1, ये आपके पास हो गया। इसी को हम सॉल्व करते हैं। तो देखो बेटा, ये जो हमारे पास दिया गया है, ये वैल्यू जो दी गई है, अगर इसका हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, सीधी सी बात है बेटा कि x² + 1/x² + 2 = 9 कहते हो, यानी x² + 1/x² की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 7। तो यहाँ तो डिनोमिनेटर की वैल्यू 7 आ गई बेटा।
और x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी कितनी है बेटा, 3, 3 माइनस वन आपने कर लिया, 7/2 हो गया, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट हो गया। इस टाइप से आज के बेटा मॉडल पेपर में बस इतना ही, हम मिलते हैं जल्द ही अगले मॉडल पेपर में। थैंक यू, जय हिंद। जय हिंद बच्चों, हम देखिए लेकर आए हैं वाई ग्रुप का जो प्रैक्टिस सेट है रीजनिंग का, ठीक है, जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ पे दिया है, टी पे देखिए दिया है, जैसे टी का 20 लिखा है, इसका मतलब लेटर का प्लेस से तो कहीं नहीं बना है ये, तो इसको हम लेटर प्लेस से अगर देखेंगे, लेटर के प्लेस से देखिए कि टी को अगर 20 कहा है तो अगला देखिए ये 20, ये 5, ये कितना होगा 14, तो इस तरीके से देखिए 20 और ये 39 हो जाएगा ऐड करने पर। उसी तरीके से टिप को देखिए, ये 20 और प्लस ये 9 और ये 16, इनको हम अगर ऐड कर देते हैं तो 16 9 कितना हो जाएगा 25 और 20 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, अगला दिया है आपको, अगला क्रम बताना है 6 4 12 8 18 और 12 है। अगर आप यहां से देखेंगे कि यहां पे कितने से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, 2 से, फिर इसके बाद 6 2 जा 12 12 2 जा कितना हो जाएगा 24, तो इस तरीके से आप नहीं मिला पाएंगे। तो यहां पे देखिए क्या किया गया है, यहां पे आप यहां देखिए प्लस 6 है, फिर इसके बाद अगला भी क्या है प्लस 6 है, तो अगला आप करेंगे प्लस 6 कितना हो जाएगा 18, प्लस 6 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया है ए बी सी को एक्स जेड वाई एक्स लिखा है, तो सी बी ए को क्या लिखा जाएगा, तो आप देख रहे होंगे ए का रिवर्स लेटर लिखा है, ए का जेड और बी का क्या हो जाएगा वाई, इसी तरह सी का एक्स। अब देखिए यहाँ पे सी का क्या होगा रिवर्स लेटर एक्स, और बी का क्या हो जाएगा वाई, और ए का क्या हो जाएगा जेड, तो क्या आंसर निकल कर आएगा एक्स वाई जेड निकल कर आएगा, ठीक। अगला देखते हैं हम लोग, अगला दिया है एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विकास ने कहा वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है, विकास का फोटो वाली लड़की के साथ क्या संबंध है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में ये होता है डायरेक्ट फॉर्म में, जब यहाँ दिया रहेगा यह वह, इस तरीके से कोई भी मतलब शब्द आते हैं जो डायरेक्ट मतलब आप अपना रिश्ता लगा सकते हैं, वहाँ पे जो है आप डायरेक्ट अपने आप को रख देंगे। जैसे अब यहाँ पे एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विकास ने कहा, तो विकास कह रहे हैं तो मतलब मेरे दादा, अब विकास के दादा मतलब अगर मैं विकास हूँ तो मेरे दादा के इकलौते पुत्र मतलब यानी मैं पुत्र की पुत्री, इकलौते दादा मतलब इकलौते दादा के इकलौते पुत्र मतलब पिताजी की बात हो रही है, कि पुत्री मतलब मेरी बहन की बात हो रही है। तो पूछ रहा है विकास का फोटो वाली लड़की के साथ मतलब विकास का रिश्ता पूछा जा रहा है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा ब्रदर हो जाएगा। अगर आप मान लीजिए नहीं रख पा रहे हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे, अब वह मतलब मेरे, अब विकास बोल रहे हैं क्या, ये विकास है ना, विकास के दादा कहाँ होंगे, विकास के क्या हुए दादा, फिर इसके बाद विकास के दादा हुए, दादा के इकलौते पुत्र, इकलौते पुत्र का मतलब इनके क्या होंगे पिताजी होंगे,
फिर इसके बाद इकलौते पुत्र की पुत्री, अब इनकी पुत्री कहाँ होगी, यहाँ होगी, इस लड़की की बात हो रही है ना। तो अब देखिए क्या बोला जा रहा है, मतलब इनको इंडिकेट करके वो विकास बोल रहे हैं। तो विकास का फोटो वाली लड़की के साथ क्या संबंध है, मतलब विकास का संबंध पूछा जा रहा है, तो क्या होगा, भाई होगा। ठीक, अगला देखते हैं हम लोग। फाइव नंबर में दिया है, जैसे देखिए रवि ड्राइव्स ए व्हीकल टूवर्स वेस्ट एंड कवर्स 12 किलोमीटर। तो देखिए यहां पे क्या दिया है, रवि ड्राइव्स ए व्हीकल टूवर्स वेस्ट। अब देखिए आप, आपको ये डायरेक्शन आपके दिमाग में होना चाहिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और ये क्या है साउथ। अब देखिए रवि ड्राइव्स किधर है, पश्चिम की तरफ, मतलब क्या हो जाएगा 12 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं पश्चिम की तरफ, वह दक्षिण की ओर मुड़ता है। अब दक्षिण की ओर मुड़ेंगे तो किधर हो जाएंगे, इधर, अब कितना चलते हैं 3 किलोमीटर। वह फिर पूरब की ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, मतलब 12 से कम रहेंगे तो क्या हो जाएगा कितना दिया है 8 किलोमीटर। तो देखिए कितना हो जाएगा यहाँ से 8 किलोमीटर, यहाँ 8 किलोमीटर हो जाएगा। अब देखिए क्या पूछा गया है कि वह अपने प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर है, तो यहाँ पे प्रारंभिक स्थल से ये दूरी पूछी जा रही है। अब देखिए यहाँ पे आपको पता होना चाहिए ये 8 है और यहाँ से यहाँ पे ये कितना है 3 है। अब बताइए यहाँ पे ये 8 है, यहाँ पे ये 8 पूरा है और टोटल 12 है, कितना बचा यहाँ पे 4 बचा। अब यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, पाइथागोरस लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 3 9 प्लस 16 कितना आ जाएगा 25, तो बाहर कितना निकल कर आएगा 5 किलोमीटर। तो क्या हो जाएगा आंसर 5 किलोमीटर। अब देखिए इसका हम शॉर्टकट कैसे है, मतलब तुरंत कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, तो आप इस तरीके से इसको लिखा करिए NESW। अब आप इसी में आप रखते जाइए जो भी आपको दिया गया है, ठीक है। अब इसमें आप रखते जाइए, जैसे पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर, तो देखिए नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, अब पश्चिम की ओर कितना है 12 किलोमीटर हो गया, दक्षिण की ओर जो है 3 किलोमीटर, मतलब ये दक्षिण हो गया साउथ 3 किलोमीटर, वह फिर पूरब की ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, यहाँ पे देखिए ये 8 किलोमीटर हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, जो है ईस्ट वाला जो है साउथ के साथ कैंसिल करना होता है और साउथ वाला नॉर्थ के साथ जो है कैंसिल करना होता है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये साउथ में तो 3 डायरेक्शन बचेगी, अब 8 यहाँ 12 है तो 12 में से 8 जाएगा कितना आएगा 4। अब जिसके नीचे अगर 2 वैल्यू बची हुई हैं वो दोनों डायरेक्शन आते हैं उसके शुरुआत से, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से, तो साउथ वेस्ट उसकी डायरेक्शन होगी ये बताता है, जो वैल्यू है उसी के जस्ट ऊपर जो डायरेक्शन दी हुई है वही हमारा क्या हो जाएगा डायरेक्शन होता है। अब देखिए जब 2 वैल्यू आती है तो हमेशा पाइथागोरस लगाया जाता है, तो यहाँ पे 3 3 9 और 4 4 16, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 5 किलोमीटर। अब ये जुगाड़ आप जो है अपने दिमाग में रख सकते हैं, इससे क्वेश्चन जो है जल्दी हो जाता है। अगला देखिए, अगला 6 नंबर है, सिक्स नंबर में दिया है स्टेटमेंट दिया है और आपको कंक्लूजन दिया है, आपको बताना है कि कौन सा सही है। ऑल फिश आर टॉर्टोइस, मतलब क्या हुआ, सभी मछलियां कछुए हैं, तो ये कैसा सेंटेंस है पॉजिटिव, और नो टॉर्टोइस इज ए क्रोकोडाइल, मतलब ये कैसा है निगेटिव। अब देखिए ऑल फिश यहाँ पे कितना हो जाएगा 100%, आर टॉर्टोइस ये कितना होंगे 50, अब नो टॉर्टोइस कितने हो जाएंगे, ये 100 इज ए क्रोकोडाइल, अब ये 100, मतलब दोनों में कोई भी मतलब कॉमन चीज नहीं है, दोनों क्या है अलग अलग हैं। अब दोनों से मिलकर तभी बनेगा जब कॉमन टर्म्स क्या हो, एक बार कम से कम
100 हो। यहाँ पे देखिए टॉर्टोइस है और यहाँ भी क्या है टॉर्टोइस है। अब दोनों को मिलने से एक बार 100 है मतलब दोनों एक बार में मिल जाएंगे, बस उनकी वैल्यू क्या है सही होनी चाहिए। अब अगला जैसे दिया है अगर दोनों को मिलाया जाएगा तो पॉजिटिव और निगेटिव को मिलाएंगे तो कैसा सेंटेंस कैसा कंक्लूजन बनना चाहिए आपका, निगेटिव बनना चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पे नो क्रोकोडाइल इज फिश, अब ये कैसा है निगेटिव सेंटेंस है तो यहां पे देखिए 100 होगा, ये भी कितना होगा 100 होगा। अब यहां पे देखिए क्रोकोडाइल है और ये क्या है फिश है, यहां पे क्या है क्रोकोडाइल है और यहां पे फिश है, मतलब दोनों को मिलाया गया है कैसा सेंटेंस होना चाहिए निगेटिव। और क्रोकोडाइल 100 है, यहां पे 100 क्रोकोडाइल है और फिश कितना है, फिश यहां 100 है यहां भी 100 है, मतलब पहला हमारा क्या है करेक्ट है। अगला बात करते हैं कि ये हो जाएगा 100 नो फिश इज अ क्रोकोडाइल, ये भी हो जाएगा 100 और सेंटेंस कैसा है निगेटिव है। अब देखिए यहाँ फिश है यहाँ क्रोकोडाइल है, यहाँ फिश है और यहाँ क्रोकोडाइल है ना, फिर से वही आ गया है, फिर दोनों में 100 हैं तो दोनों यहाँ 100 है, मतलब ये भी क्या होगा आपका सही हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, मतलब दोनों फॉलो करते हैं ठीक। आगे देखते हैं हम लोग सेवन नंबर में इस टाइप की ओपन डाइस होती है, इसमें देखिए ये एक स्टेप छोड़ के जो है एक दूसरे क्या होते हैं अपोजिट होते हैं। अब ये चीज आप शिफ्ट कर सकते हैं, मतलब येलो किसके से हो जाएगा ग्रीन के, है ना, तो जो बचा है रेड किसके हो जाएगा ब्राउन के अपोजिट, है ना, यहाँ पे ब्लू का अपोजिट कौन हो जाएगा ब्लैक, येलो का अपोजिट क्या हो जाएगा ग्रीन और रेड का अपोजिट क्या हो जाएगा ब्राउन। तो हमसे क्या पूछा है हरा रंग, तो हरे रंग के क्या हो जाएगा येलो, मतलब क्या हो जाएगा पीला ठीक, तो कौन सा आंसर होगा आपका येलो हो जाएगा ठीक। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे दिया है 7 से 8 बजे के बीच कितने बजे घंटे तथा मिनट की सुई एक दूसरे के विपरीत रेखा में होंगी। अब देखिए विपरीत रेखा में होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे 12, 6, 3 और 9 यहाँ पे क्या होगा 7 और 8 यहाँ क्या होगा 1 और 2। अब यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो देखिए क्या आएगा 7 और 8 के बीच, अगर हम घंटे वाली सुई को क्या कर दें फिक्स करके रखें, यहाँ पे क्या करें घंटे वाली सुई को फिक्स करके रखें तो इनके जस्ट पीछे कौन आता है 1 आता है, तो कितने मिनट होगा ये 5 मिनट होगा। तो फार्मूला होता है मिनट प्लस मिनट अपॉन 11, ये हमको टाइम बता देता है। तो मिनट कितना है आपका 5 प्लस 5 अपॉन 11, तो कितना आ जाएगा 5/5 बटे 11 मिनट आएगा। इसका मतलब 7:05/5 बटे 11 मिनट पर दोनों सुइयां क्या होंगी एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी, तो कौन सा हो जाएगा 5/5 अपॉन 11 मिनट past 7 ठीक। अगला देखते हैं हम लोग अगला दिया हुआ है राहुल को पता है कि वह लड़कों की एक लाइन में दाहिनी ओर से 12वां है और बाईं ओर से 4था है, लाइन में कितने लड़के शामिल किए जाएं कि 28 लड़के हो जाएं। अब देखिए आपको पता होना चाहिए किसी भी वन पर्सन का अगर हमको लेफ्ट पता है और उसका अगर हमें राइट पता है ठीक, तो टोटल जो होता है वो क्या होगा लेफ्ट प्लस राइट -1 यही होता है। अब यहाँ पे देखिए टोटल कितने लोग हैं, अब राहुल को पता है तो टोटल अगर हम निकालेंगे तो टोटल जो हो जाएगा ये 12 है और ये कितना है 4 माइनस कितना हो जाएगा 1, 12 और 4 कितना हो जाएगा 16 माइनस 1 कितना होगा 15। अब यहाँ पे कितने लड़के बनाने हैं 28 बनाने हैं तो कितना ऐड करना पड़ेगा अभी
13 ऐड करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा हमारा 13 हो जाएगा। अगला देखते हैं, इसमें देखिए दिया है, अब इन नंबर्स का यूज करके ये नंबर कैसे बन रहा है आपको अगला निकालना है। अगर आप फोकस करके देख रहे होंगे तो यहाँ पे जो है ये जो 121 है किसका स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है। अब देखिए 11 कहाँ से आया होगा, इसका माइनस करके, मतलब 20 माइनस 9 कितना हुआ, 11 हुआ। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये किसका है, 13 का स्क्वायर है, तो इसको आप माइनस करेंगे कितना आएगा, 13। उसी तरीके से आप इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक, कितना आ जाएगा 15, और 15 का जो स्क्वायर है कितना होता है 225 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इलेवन नंबर में बताना है कि नेक्स्ट क्या आ जाएगा। अब यहां पे आप फोकस कर रहे होंगे तो यहां पे देखिए इन दोनों नंबर को क्या किया है, इंटरचेंज किया है, ठीक, इन दोनों नंबर को क्या कर दिया है, इंटरचेंज किया, मतलब 15 जो है 1551 कर दिया है, 36 को क्या कर दिया है, 63 कर दिया है, और 4 और 7 को एज इट इज रखा है, मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। फिर अगले में क्या किया है, यहां देखिए 56 को सबसे लास्ट में भेज दिया गया, अगले में क्या किया गया, 56 को सबसे लास्ट में भेजा गया है। अब अगले में फिर चेक करेंगे कि 4 और 6 में देखिए 4 और 6 को क्या किया गया है, चेंज कर दिया गया, मतलब 57 हो गया और 4 ये 6 और बाकी 31 क्या रहा, एज इट इज रहा। अब देखिए अगले में फिर क्या हो जाएगा, 6 और 5 को सबसे लास्ट में लेके चला गया। अब इसका मतलब अगला जो पैटर्न आएगा क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएंगे, तो मतलब 3 5 और इसको बदलना है, 7 4 को एज इट इज रखना है, तो 3 5 को बदलेंगे तो 5 3 हो जाएगा, तो यहाँ नहीं है यहाँ है, तो 5 3 होगा यहाँ है। अब चेक करिए कि 7 4 एज इट इज रह जाएगा, तो यहाँ तो इन्होंने बदल दिया, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा डी पार्ट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला बताना है आपको ये डायग्राम, जिस तरीके से ये डायग्राम बना हुआ है अगला डायग्राम उसी तरीके से आपको बनाना है। अब देखिए जब भी ये डायग्राम आप देख रहे होंगे तो इसको क्या किया गया है, इसको जो है आपको क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमाया गया है और स्टार को क्या कर दिया, गायब कर दिया। इसी तरीके से इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये क्या बनेगा, ऊपर की तरफ बन जाएगा, तो और स्टार क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन है, कौन सा है, ए पार्ट है। अगला देखिए, ठीक 13 नंबर देखिए, इसमें आपको छांटना है कौन सा जो है चारों में से अलग है। अब यहां पे देखिए ये मिडिल लाइन इनको क्रॉस कर रही है, यहां पे भी मिडिल लाइन क्रॉस कर रही है, यहां पे बिल्कुल मिडिल लाइन क्रॉस कर रही है, लेकिन ये बीचों बीच नहीं है, तो कौन सा आंसर होगा, हमारा बी पार्ट हो गया अगला देखिए, फोर्टीन नंबर में बताना है फिगर ऑफ कंप्लीशन का है। अब देखिए यहां पे कैसे आप कंप्लीट करेंगे, अगला बताइए, यहां से चालू हुआ इस तरीके से, ये कंप्लीट हो रहा है, तो यहां से ये आएगा तो कैसा हो जाएगा, इस तरीके से, तो ये जो तरीका है किसमें आ रहा है, मतलब इस टाइप का डायग्राम किसमें आ रहा है आपका, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, कौन सा है, वो बी पार्ट है। अगला देखिए, फिफ्टीन नंबर, अब यहां पे आपको पेपर और कटिंग, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें जब ये मोड़ा, जैसे जैसे ये मोड़ा गया उसी तरीके से हमको खोलना है, यहाँ पे जब ये मोड़ा जाएगा तो इधर तो कुछ नहीं बनेगा, है ना, सेम उसी तरीके से इधर से भी कुछ नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पे जो खुलेगा, यहाँ पे देखिए जब ऊपर वाला पार्ट खुलेगा तो ये कितना बनाएगा, एक यहाँ बनाएगा होल और एक यहाँ बनाएगा, तो मतलब कितने होल होंगे, टोटल 4 होल हो जाएंगे, तो 4 होल सीधे सीधे किसमें दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन में है। अगला देखिए,
अगला आपको वाटर इमेज, वाटर इमेज देखना है। अब देखिए यहाँ पे जो पास वाली चीज है वो कहाँ दिखेगी, पास में दिखेगी, है ना, और जो दूर वाली चीज वो कहाँ दिखनी चाहिए, दूर दिखनी चाहिए। तो इस टाइप से अगर आप देखते हैं तो कौन सा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए, तो कौन सा हो जाएगा आपका, ये देखिए दूर है तो ये दूर हो जाएगा, किस में है, केवल और केवल सी ऑप्शन में है। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा गया है कौन सा एम्बेडेड फिगर है, मतलब किस में एम्बेडेड है, तो देखिए ये डायग्राम ऊपर दिखना चाहिए, इसमें नहीं है, ये डायग्राम ऊपर नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा ऑप्शन बचता है, डी ऑप्शन बचता है, जिसमें ये साइड से ऊपर से दिख रहा है। ठीक, अगला देखते हैं हम लोग। देखिए फिगर काउंटिंग का क्वेश्चन है, अब आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर के अंदर जब ट्रायंगल बनता है तो कैसे हम इसको काउंट करते हैं, 1 2 3 4, है ना, तो कितना हो जाएगा 3 4 4 2 जा कितना हुआ 8, इसमें बनेंगे इसी तरीके से 1 2 3 4 8 इसमें बनेंगे, तो कुल कितने हो जाएंगे 8 8 16 हो जाएंगे। अब अगला अगर इस टाइप में काउंट करते हैं तो 1 2 यहाँ से, 1 2 यहाँ से, तो मतलब 3 इधर बनेंगे और 3 इधर बनेंगे। अब आप इनको मिला के देखिए कितने और एक्स्ट्रा बनते हैं, तो आप देखेंगे जब इन दोनों को मिलाएंगे तो एक ये एक्स्ट्रा बनेगा और अगला जो है एक ये एक्स्ट्रा बनेगा, मतलब 2 एक्स्ट्रा आपके इन दोनों को मिलाने से आए। अब यहाँ पे देखिए, अब एक्स्ट्रा इसमें कितना आएगा, अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ एक्स्ट्रा हो गई और दूसरा आपको नीचे भी वही होगा, अब यहाँ पे भी एक चीज़ इधर हो गया एक ट्रायंगल और एक ट्रायंगल आपका इधर आया, मतलब 2 और 2 4 4 एक्स्ट्रा और आपको मिले हैं। ठीक, अब आप टोटल इसकी काउंटिंग कर लीजिए, 8 8 16 16 16 2 18 18 और 3 कितना हो गया 21 और 21 और 3 कितना हो गया 24, तो यहाँ से देखिए 8 8 16 16 2 18 18 और 18 6 कितना हुआ 24 और 24 और 4 कितने हो जाएंगे टोटल 28। अब देखिए यहाँ पे 8 ये हुआ, 8 8 16 16 2 कितना हो जाएगा 18 18 और ये देखिए 2 3 3 6 18 6 कितने हुए 24 और 24 और इसके बाद ये दोनों जो ऊपर बन रहे हैं 24 एक ये 24 4 कितने हो गए टोटल हमारे पास 28 ट्रायंगल हो गए। क्लियर हुआ, आगे हम लोग देखते हैं 19 नंबर। अब देखिए इसमें ये पूछ रहा है कि ये फिगर किस में पूरा है, तो आप इस ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, इनको सबको तोड़ के अलग करना है आपको। अब देखिए अगर हम इस नंबर को अलग करते हैं तो 1 2 3 4 4 पार्ट होंगे, लेकिन ये देखिए यहाँ पे ये जो है सारे इक्वल पार्ट हैं, तो यहाँ पे सारे इक्वल पार्ट्स नहीं बन रहे हैं, यहाँ पे देखिए 1 2 3 यहाँ पे 3 ही पार्ट होने, जबकि दिया है कितने पार्ट आपको 4 पार्ट दिया है। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ 4 पार्ट है लेकिन ये इक्वल नहीं होंगे, तो कौन सा ऑप्शन बचता है आपका, ए ऑप्शन बचता है, और आप देख भी सकते हैं कि सारे पार्ट कैसे हैं, इक्वल हैं। अगला देखिए, ट्वेंटी नंबर, यहाँ पे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन इंजीनियर्स सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड केमिकल इंजीनियर। अब देखिए आपको एक एक को मिलाना है, जैसे इंजीनियर तो इंजीनियर क्या कहलाएगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंजीनियर ही होगा, और आपका केमिकल इंजीनियर भी क्या होगा, इंजीनियर ही होगा, लेकिन जो है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा वो केमिकल इंजीनियर कभी नहीं हो सकता है, दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, मतलब आपका एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, केमिकल इंजीनियर हो जाएगा, लेकिन दोनों इंजीनियर के ही, दोनों इंजीनियर कहलाएंगे, तो कौन सा आंसर इस टाइप का बनेगा आपका, ए पार्ट बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम आपको वाई ग्रुप का पेपर देते रहेंगे। थैंक यू देखने के लिए, धन्यवाद।
आपकी बेस्ट फ्रेंड किताबें होती हैं जो आपका करियर बनाती हैं और आपके ड्रीम्स को पूरा करती हैं। इसलिए मेजर कल्सी क्लासेस लेकर आया है रक्षा क्षेत्र के सभी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी के लिए एमकेसी पब्लिकेशन की तरफ से बेस्ट स्टडी मटेरियल, जो कि सेना द्वारा प्रेस्क्राइब लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित हैं, जिसमें आपको मिलेगा आसान भाषा में एक्सप्लेनेशन, चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर और ढेर सारे क्वेश्चन के कलेक्शंस, ढेर सारे शॉर्टकट और ट्रिक के साथ साथ क्वेश्चन को इजी, मीडियम और हार्ड लेवल में बांटा गया है। लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन को चैप्टर और टॉपिक वाइज मेंशन किया गया है, जो कि आपके 100% सफलता को सुनिश्चित करेंगे। तो देर किस बात की, तो आज ही ऑर्डर कीजिए अपनी डिफेंस प्रिपरेशन की बुक dlp.majorkalsiclasses.com से और कॉल कीजिए 9696330033 पर। हेलो माय डियर स्टूडेंट, जय हिंद, वेलकम टू एमकेसी ऑनलाइन क्लासेस। आइए हम लोग आप लोगों के वाई ग्रुप के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के बारे में, जीके के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के बारे में देखें कि आपके मॉडल पेपर क्या है। और इसमें यह भी आप देखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, ये आपको एक्सपेक्टेड है। और ये भी बात इसे क्लियर हो जाएगी कि आप किस किस चैप्टर पर ज़्यादा फोकस करेंगे या किस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका स्टडी होना चाहिए। तो आपके फोर्थकमिंग वाई ग्रुप एग्जामिनेशन के लिए ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते जा रहे हैं। तो आइए हम लोग पहले देखें कि पहला क्वेश्चन, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित ये दार्शनिक प्रणाली है, इसमें दिया हुआ है पूर्व मीमांसा, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, उत्तर मीमांसा, और ये द फिलोसफिकल डॉक्ट्रिन प्रपोज बाय कपिल मुनि वाज, ये पूर्व दर्शन यानी उसी का फिर रिपीटेशन आपका दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ है कि कपिल मुनि के द्वारा प्रतिपादित आपको जो फिलोसफिकल डॉक्ट्रिन था उसके बारे में बताना था। तो ये आपने पढ़ा भी होगा कि पूर्व मीमांसा, जिसको मीमांसा के नाम से भी जाना जाता है, ये जैमिनिस के आपको प्रतिपादक थे। सांख्य दर्शन यही आपके कपिल मुनि थे और सांख्य दर्शन को कपिल मुनि ने आपको प्रतिपादित किया था। इसके अलावा न्याय दर्शन को देखें तो न्याय दर्शन आपको गौतम ऋषि ने किया था, और उत्तर मीमांसा जिसे ये आपको वेदांत दर्शन के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको बादरायण ने इसका प्रतिपादन किया था। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा सांख्य दर्शन, यानी सांख्य दर्शन के प्रतिपादक थे आपको कपिल मुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दूसरा क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है, यानी आपको विच मुगल एम्पायर वाज नोन है जिंदा पीर, जिसमें विकल्प ए दिया हुआ है अकबर, बी दिया है औरंगजेब, सी दिया है शाहजहां और डी दिया है जहांगीर। आप भी जानते हो कि एज अकबर के रूप में देखा जाए तो हिंदू कुल, यानी कह सकते हो कि हिंदुओं के साथ अच्छा व्यवहार किया, और उसी के काल में अगर देखा जाए तो सुलह कुल की पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया, और वह इस पॉलिसी को जहांगीर ने भी अडॉप्ट किया, शाहजहां ने भी थोड़ा बहुत उसमें कठिनाई के अलावा उसको अडॉप्ट किया। तो बिल्कुल कुरान के अनुसार यानी शरीयत के अकॉर्डिंग चलने का काम किया और वह बंदा था औरंगजेब, इसलिए आपका आंसर होगा औरंगजेब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से कई क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन, ये वर्ष 1998 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसे बाद में 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में परिवर्तित कर दिया, अर्थात इसको आप देखो तो हु इस्टेब्लिश द सेंट्रल हिंदू कॉलेज एट बनारस इन 1898 विच वाज लेटर ये कन्वर्टेड एज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU बाई मदन मोहन मालवीय इन द ईयर ये 1916। तो इसमें आपका नाम दिया हुआ, विकल्प दिया हुआ है यानी बेसेंट, मैडम भिकाजी कामा, गोपाल कृष्ण गोखले और गोविंद बल्लभ पंत। अब आपको इसके बारे में हमें कुछ बताना बहुत बहुत ज़रूरी है, कारण कि हालांकि आप आंसर सीधे सीधे जानो तो एनी बेसेंट, इसका आंसर आपका एनी बेसेंट होगा, जो 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। लेकिन इसका महत्व 1916 में जाकर के बहुत ज़्यादा बढ़ जाता, और 1916 में जब मदन मोहन मालवीय ने BHU की स्थापना की
तो इसमें कई बातें आकर के समाहित हो जाती है कि अब तक BHU का ये ग्राउंड आप देखो तो सबसे लार्जेस्ट ग्राउंड है पूरे इंडिया के यूनिवर्सिटी में। दूसरी बात कि इसमें आपको जो हार्डिंग सेकेंड था, लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड उस समय भारत का वायसराय था, इसका नींव डाली थी उसी ने, यानी इसकी नींव को डालने वाला एक वायसराय था। तीसरी बात कि महात्मा गांधी इस यूनिवर्सिटी में आकर के यानी इनॉग्रेशन के इसके उद्घाटन के समय पहली बार हिंदी में भाषण दिया था। और चौथी बात यह है कि इंडिया की अगर प्रथम सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें तो वह आपको एनी बेसेंट है। तो इसलिए अगर ये एजुकेशन की दृष्टि से देखें तो इस बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज का इम्पोर्टेंस आपको 1916 में आकर के बहुत ज़्यादा ज़्यादा हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, फोर्थ में संघीय मंत्री परिषद से पद त्याग करने वाला पहला मंत्री कौन था, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल ये दिए हुए हैं या पहले इंग्लिश देख लो, द फर्स्ट मिनिस्टर हु रिजाइन फ्रॉम द यूनियन कैबिनेट वाज सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य जेवी कृपलानी, गोपाल कृष्ण गोपाल स्वामी आयंगर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो ये जब स्वतंत्रता के बाद 1947 में फर्स्ट ये कैबिनेट का गठन किया गया था इंडिया में, तो उसमें ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो RSS आइडियोलॉजी को मानने वाले थे और इन्होंने ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री संभाला था। यानी ये उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री बनाए गए थे, लेकिन 1950 में दिल्ली पैक्ट हुआ, दिल्ली समझौता हुआ और वह भी पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली के बीच। तो उसमें यह प्रावधान किया गया था कि जो लोग भी यहाँ से यानी इंडिया से जो आपको यहाँ से भगाए गए थे या चले गए थे, इंडिया से चले गए थे और जाकर के पाकिस्तान में रहने की इच्छा से गए थे बट वहाँ पर उन्हें कोई राइट नहीं मिला, और विशेष रूप से माइनॉरिटी क्लास की बात होती है यानी अल्पसंख्यक वर्गों का, तो फिर इनके लिए व्यवस्था बनाई गई इस पैक्ट के माध्यम से कि इंडिया में वो आएँ और जिस लैंड को उनका छीन लिया गया है या जबरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन कराया गया है, या फिर आप देखो विशेष रूप से जो भी आपको रिफ्यूजी के तौर पर ये आ रहे हैं आएंगे उनको उन भूमि का आवंटन किया जाएगा, दिया जाएगा, उन्हें सिटीजनशिप दिया जाएगा, और साथ ही साथ जो अल्पसंख्यक वर्ग है अल्पसंख्यक वर्ग की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली गई। और इसी से खिन्न होकर दो मंत्री ने रिजाइन दिया था, पहले तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे और दूसरे मंत्री थे और वह थे आपको KC नियोगी। तो KC नियोगी उस समय आपको फाइनेंस मिनिस्टर थे, यानी के षणमुखम सेठी के बाद दूसरे फाइनेंस मिनिस्टर बनाए गए थे KC नियोगी। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी और KC नियोगी दोनों ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन पहले मंत्री जिन्होंने रिजाइन दिया था वह व्यक्ति थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फिफ्थ क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है, यानी जापान में है कि फिलीपींस में है या आपको ये इक्वेडोर में है या हवाई द्वीप में है। तो रियल में आंसर आप देख सकते हैं इक्वेडोर में है, इसका आंसर इक्वेडोर है, जो यानी वेयर इज द वर्ल्ड हाईएस्ट ये एक्टिव वोल्केनो कोटोपैक्सी सिचुएटेड, तो इक्वेडोर में सिचुएटेड है। लेकिन आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि जापान का सबसे इम्पोर्टेंट जो वोल्केनो है वह है आपको फ्यूजियामा, यानी फ्यूजियामा है जापान का। अगर हम फिलीपींस के देखें तो इसका टाल है,
और अगर हम देखें हवाई द्वीप का तो मौना लोआ है। तो इस तरह से आप अलग अलग स्थानों पर जितने भी चाहे वह किसी प्रकार के तीन प्रकार में किसी भी प्रकार के आपके ये वोल्केनो है वह जहाँ भी सिचुएटेड है यहाँ से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछता है। और विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी इक्वेडोर में स्थित है। अब सिक्स क्वेश्चन देखें, भारत में हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं यानी द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इज इंडिया इज यानी एमएस स्वामीनाथन, एपीजे अब्दुल कलाम, वर्गीज कुरियर और वार्ड सुदर्शन। देखो ये इंडिया में ये ग्रीन रिवॉल्यूशन के प्रतिपादक थे या जनक कहलाते हैं एमएस स्वामीनाथन। और पूरे वर्ल्ड के स्तर पर देखें तो पूरे वर्ल्ड में ग्रीन रिवॉल्यूशन के ये जनक कहलाते हैं आपको, यानी आप देखें ई गुड वर्क, यानी हम कह सकते हैं कि ये आपको एपीजे अब्दुल कलाम एक साइंटिस्ट थे, वर्गीज कुरियन ये आपको भारत में व्हाइट रिवॉल्यूशन यानी दुग्ध उत्पादन में इनकी प्रमुख भूमिका थी, और इस तरह से वार्ड सुदर्शन में भी ये आपको दूसरे क्षेत्र से बिलोंग करते होंगे। तो भारत में हरित क्रांति के जनक आपको एम एस स्वामीनाथन थे। और इस तरह से एम एस स्वामीनाथन ने 1967 में जिस आपको हरित क्रांति की शुरुआत हुई वह एक आपको कृषि वैज्ञानिक हैं और अभी भी हैं, और उन्होंने भारत में हरित क्रांति की ये जनक यानी हरित क्रांति की शुरुआत की और हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। सेवन क्वेश्चन देखें, जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष किसे माना जाता है। अगर इसमें आप देखें सबसे पहले 1872 में इंडिया में जनगणना की शुरुआत हुई थी और उसके बाद रेगुलर 10 वर्ष पर जनगणना की शुरुआत जो हुई यह लॉर्ड मेयो के काल में हुई और यहाँ इस समय जो हुई लॉर्ड रिपन के काल में हुई। और बाद में अगर हम 10 वर्ष के आफ्टर 10 वर्ष पर हम देखें तो ये बराबर आपको जनसंख्या में वृद्धि ही हुई, यानी आप उसको इंग्लिश में भी कह सकते हो विशेष रूप से इस क्वेश्चन को कि विच इज कॉल्ड द ग्रेट डिवाइड ईयर ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया। तो इसमें आप देखोगे कि 1881 से 91 तक में भी आपका पॉपुलेशन में वृद्धि हुई, 1891 से ये आपको 2000 ये आपको 1901 में भी वृद्धि हुई, 1901 से 1911 में भी वृद्धि हुई, लेकिन ये जो ईयर था 1921 में इसमें 1911 के जनसंख्या के रिस्पेक्ट में 0.31% आपको निगेटिव ग्रोथ रेट देखा गया। इसलिए इसके बाद फिर पॉपुलेशन आपको हर 10 साल के बाद गणना हुई और हर साल आपको ये ग्रोथ रेट बढ़ाई, आपको पॉपुलेशन भी बढ़ा, यानी कभी भी निगेटिव नहीं हुआ। इसलिए 1921 को जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये तो विशुद्ध आपके रटने वाला क्वेश्चन है, भारतीय चीनी अनुसंधान केंद्र स्थित है यानी इंडियन शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड है, ये लखनऊ में नहीं है, ये है आपका आगरा में नहीं है, शिमला में नहीं है, ये आपका है कानपुर में, यानी भारतीय चीनी अनुसंधान केंद्र आपको कानपुर में स्थित है। यहाँ पर आपको किसी प्रकार का ये आपको इसमें बात नहीं है बल्कि सीधे सीधे इस ऐसे क्वेश्चन को रटा जाता है। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, कौन सुमेलित नहीं है यानी विच इज नॉट मैच्ड, यानी इसमें दिखाना है कि कौन सा इसमें मैच नहीं है। तो आप अगर ये बिल्कुल गेम्स एंड स्पोर्ट्स पढ़े होंगे तो संतोष ट्रॉफी ये फुटबॉल से रिलेटेड है, दिलीप ट्रॉफी यह भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेला जाता है क्रिकेट से रिलेटेड है, आगा खां कप यह भी आपको चेस से रिलेटेड है, यानी आपको तीनों सही है, ये आपका गलत है,
यही आपका आंसर है, कारण कि पूछ रहा है कि विच इज नॉट मैच्ड, जो मैच नहीं है, और डूरंड कप आपको फुटबॉल से रिलेटेड है न कि आपको हॉकी से रिलेटेड है। तो इस तरह से आपका आंसर होगा सी, यानी डूरंड कप। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 10, और वह है किसी कंप्यूटर चिप को बनाने में निम्न में से किसका प्रयोग होता है। यह आप देखो, कंप्यूटर चिप बनाना है, इसमें ना कार्बन का उपयोग किया जाएगा, ना आयरन का किया जाएगा, यानी इन मैन्युफैक्चरिंग एनी कंप्यूटर चिप विच एलिमेंट इज यूज, और ना ही इसमें स्टील का प्रयोग किया जाएगा। इसमें प्रयोग जो होता है वह होता है आपका सिलिकन को, और इसीलिए भारत के बेंगलुरु को सिलिकन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यानी आपको कंप्यूटर चिप बनाने के लिए जिस आप चीज़ का या पदार्थ का या जिस चीज़ का उपयोग किया जाता है वह है आपका सिलिकन। तो ये रहे आपको 10 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन ये टाइप्स बताता है कि इस तरह के टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं और वह कभी भी फैला सकता है, विशेष रूप से लोकल डांसेस से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच। अपने देश सेवा के सपने को पूरा करने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि मेजर कलसी क्लासेस लौट आया है अपने ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ, जहां आपको मिलेगा एक्सपर्ट फैकल्टी की गाइडेंस, डाउट काउंटर फैसिलिटी, स्पेशल करंट अफेयर सेशन, फिजिकल ट्रेनिंग और मंथली यूनिट टेस्ट के साथ साथ बेस्ट स्टडी मटेरियल। अपने वर्दी के सपने को कीजिए साकार मेजर कलसी क्लासेस के साथ। आज ही एडमिशन लें और पाएं 2000 का कैशबैक डायरेक्ट एडमिशन लेने पर, और अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 9696330033 पर, और विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर।